हेलो गाइज, वेलकम टू सोमर। दोस्तों, बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं और डीमोटिवेट होकर ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं, लेकिन आपने जिसे थंबनेल पे देखा, भाई ने मतलब पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करके 2 लाख पर महीना कमा रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर पाओगे? तो ये इंटरव्यू देखने के बाद आप लोगों को बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। उसके साथ लाइव देखेंगे ट्रैफिक कितना आ रहा है, कितना यहाँ पे अर्निंग हो रहा है, आपका जो लास्ट मंथ का ट्रैफिक कितना था, आपका लास्ट मंथ का कितना अर्निंग हुआ था। तबीज जी, आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि मैंने व्यूअर्स को ऑलरेडी आपके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है, अभी मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में खुद से थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हैं डिटेल्स में। जी, मेरा नाम ताबिश रजा है और मैं महाराष्ट्र जलगांव से हूँ और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। चलिए, अभी सवाल की तरफ चलते हैं। आप तो ब्लॉगिंग करते हैं, तो यहाँ पे जो पहला सवाल रहता है वो होता है, आप कब से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब ब्लॉगिंग जर्नी कब से शुरू करी है? जी, मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए तकरीबन 1 साल हो गया और मतलब जस्ट अभी मैं इसके अंदर नया ही हूँ। ज़्यादा मैं बहुत पहले से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, बस 1 साल में मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, बहुत सारे लोगों से बात बात किया, तो उसके बाद में बस मुझे मिनिमम बस 1 ही साल हुआ है ब्लॉगिंग के अंदर। जितना भी टाइम मुझे लगा है बस 1 साल का ही लगा है। अच्छा, तो आपका कम्प्लीटली मतलब 1 साल ही है ब्लॉगिंग में? जी, सिर्फ अच्छा, 1 साल। ठीक, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप सिर्फ ब्लॉगिंग करते हैं या फिर इसके साथ कुछ और भी करते हैं, पढ़ाई या फिर कुछ और काम जैसे? जी, मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ और इसके साथ सबसे पहले जो है मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिसको अभी भी मैं संभाल रहा हूँ। उसके ऊपर कुछ 393K सब्सक्राइबर्स है और साथ साथ में मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और इसके साथ में मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। ब्लॉगिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, कई बार एप्लीकेशंस डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ, एप्लीकेशंस के ज़रिए अर्निंग वगैरह होती है। तो आप तो पूरा कंप्लीट पैकेज हो, ऑलराउंडर, मतलब सब करते हैं आप, मतलब पढ़ाई के साथ ब्लॉगिंग, यूट्यूब, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि सब कुछ। जी, और कहा जाए तो आप ब्लॉगिंग को आज ही पार्ट टाइम कर रहे होंगे शायद? जी, अभी पार्ट टाइम, थोड़ा बहुत ही टाइम दे पा रहे होंगे। जी, अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं अभी के टाइम पे, आप कितने वेबसाइट चलाते हैं? जी सर, अभी के टाइम पे हमारी एक देखिए सर, जो ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी वो इस तरह से हुई थी हमारी कि अब जिस तरह से मेरे पास एक यूट्यूब चैनल का एक कंटेंट राइटर है, अब वो कंटेंट को हमें कहीं ना कहीं तो पब्लिश करना था वरना वो वेस्ट चला जाता, तो इसलिए हमने तो सबसे पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट की। अब उसके बाद जब मैंने एक वेबसाइट अपनी शुरू किया वो थी एफिलिएट मार्केटिंग पर, ऑफर वाइन करके वेबसाइट थी, एफिलिएट मार्केटिंग पर थी जो कि अभी पे चला रहा हूँ मैं। और एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ फिर मैंने गूगल एडसेंस की तरफ ज़्यादा अपना फोकस किया। फिर गूगल एडसेंस अप्रूव कराने के लिए मैंने कुछ 20 या 25 वेबसाइट के लिए अप्रूवल के लिए भेजा, जिससे मेरे पास अभी फ़िलहाल में 15 वेबसाइट में अभी चला रहा हूँ। बाकी की कुछ वेबसाइट अप्रूवल के लिए अभी भी गई है और जो 15 वेबसाइट है इनके ऊपर काम चल रहा है। मतलब 15 वेबसाइट अभी चला रहे हैं? 15 वेबसाइट अभी चला रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा बात है। आप देख सकते हो, आप लोग, मतलब एक बंदा पढ़ाई के साथ YouTube, ब्लॉगिंग, मतलब इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा अगर आप सही से काम करना चाहोगे, ठीक है? जी, बिल्कुल। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप तो अच्छा ट्रैफिक ले रहे हैं, ट्रैफिक मतलब बहुत सारे वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं, पैसा भी आपको कमाई भर भर के हो रहा है, वो तो अलग बात है, लेकिन अभी आपके एक्सपीरियंस के साथ यूज़र को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए ताकि वो लोग ही थोड़ा मोटिवेट हो पाएँ, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका अर्निंग के बारे में, आपका वेबसाइट के बारे में। तो सो अभी बात करते हैं थोड़ा न्यू ब्लॉगर्स कैसे काम करें उसके बारे में, ठीक है? जैसे कि सबसे पहला सवाल आता है, जब ब्लॉगिंग करने के लिए लोग आते हैं तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सब डोमेन चूज कर लेते हैं, मैं हम लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ब्लॉगर पे जाएंगे, सब डोमेन के साथ काम करेंगे। तो आपके हिसाब से आज के टाइम पे ब्लॉगर लोगों को क्या ब्लॉगर पे जाना है या फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके वर्डप्रेस पे जाना है? सबसे पहले तो अगर ब्लॉगर जब काम करने के लिए आता है उसकी सबसे पहली सोच अर्निंग नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी सबसे पहली सोच अर्निंग हो गई तो फिर मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ तक मानना है, तो वो उसके काम पे उतना फोकस नहीं रहेगा, उसका काम जो रहेगा सिर्फ पैसे के बारे में सोचना रहेगा। मोस्ट ऑफ जो केस है इसमें ब्लॉगर्स इसीलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो पैशनेट नहीं होते, सबर नाम की चीज़ नहीं होती। तो अगर सबसे पहले हमारी सोच को ठीक करना है न्यू ब्लॉगर्स ने, इसके बाद जब वो आए, अब ब्लॉगर है, अब उसके लिए सबसे नया जो प्लेटफॉर्म है जिसे वो यूज़ कर सकता है वो ब्लॉगर ही है, वर्डप्रेस के अलावा वो ब्लॉगर यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर वो खुद को लेकर बहुत सीरियस है, ब्लॉगिंग को लेकर सीरियस है और चाहता है कि वो अच्छे से इसमें आगे बढ़े और एकदम पैशनेट होकर काम करे, और जो उसका जो फर्स्ट मोटिव है यही है कि मुझे ब्लॉगिंग ही करनी है, तो मैं तो कहता हूँ कि उसे इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस और ब्लॉगर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पर आपको ब्लॉगर में कोडिंग के थ्रू काम करना पड़ता है, HTML में बहुत ही उसमें डीप में आपको जाकर काम करना पड़ता है, वहीं पर वर्डप्रेस में आपको कई तरह के अलग अलग किस्म के प्लगइन्स मिल जाती है
ठीक है, तो ये बहुत सारे फीचर्स आपको वर्डप्रेस में मिल जाते हैं। जी तबीज जी, मान के चलिए एक नया ब्लॉगर ब्लॉगिंग जर्नी शुरू कर चुका है, चाहे वर्डप्रेस हो चाहे ब्लॉगर पे हो, तो अभी उसे कैसे काम करना चाहिए ताकि उसके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सके, आप जरा बताइए अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो इनिशियली पीरियड में अगर इंसान जो ब्लॉगर है अगर वो कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान दे और कंटेंट के ऊपर ध्यान दे जो कि प्लैगरिज्म फ्री हो। अब प्लैगरिज्म फ्री तो कोई भी कंटेंट होता है, लेकिन अगर वो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करे और कीवर्ड्स को मैनेजिंग से उसके अंदर ऐड करे, तो ट्रैफिक जो है इनिशियली पीरियड में आपको सर्च इंजन से भी मिल सकता है। और जैसे कि आपने ट्रैफिक के बारे में पूछा, तो कई सारे जेन्युइन वेबसाइट है हाई अथॉरिटी वाली, Quora.com हो गया, Pinterest हो गया, Medium.com हो गया, इन सारी वेबसाइट से आप इनिशियली पीरियड में ट्रैफिक ले सकते हो। और मैं तो बोलता हूँ कि इनिशियली डेज में अगर आप कुछ ऐसे कीवर्ड चूज़ करें जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत कम है और उनके ऊपर सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं है, 500 या फिर 1000 का है, तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और ये सब जो चीज़ें हैं इसको मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ। जी जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा, तबीज जी ने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया, तो यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इनिशियल डेज हो या फिर ब्लॉगिंग में फुल कैरियर हो, जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो, मेक श्योर आप कभी भी सर्च इंजिन को फोकस ना करो। जो भी कीवर्ड के लिए आप कंटेंट लिख रहे हो, उस कीवर्ड का इंटेंट क्या है, वहाँ पे यूजर किस लिए वो कीवर्ड को सर्च कर रहा है वो देखो, और उसी हिसाब से कंटेंट लिखो, 100% आपको रैंकिंग मिलेगा। उसके साथ बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे तबीज जी ने बताया लो वॉल्यूम कीवर्ड को आप टारगेट करो इनिशियल डेज में। तो आपको पता होगा कि किसी किसी कीवर्ड पे वॉल्यूम 0 दिखा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि इसमें सर्च नहीं आ रहा है? डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी कीवर्ड आपको दिख रहा है 0 वॉल्यूम के साथ, उनका भी काफ़ी अच्छा सर्च वॉल्यूम है। जैसे कि अभी आपको पता होगा मेरा ऑफिशियल वेबसाइट सोम्य हेल्प है, उसका जो सोम्य हेल्प नाम पे बहुत सारे क्वेरी डेली आता है, क्लिक्स भी आता है डेली, लेकिन वहाँ पे आज तक आपको उसका सर्च वॉल्यूम नहीं दिखाएगा, लेकिन मंथली उस पर 1000 से भी ज़्यादा क्लिक्स है। देन आप ये सोच लो, अगर 0 वॉल्यूम दिखा रहा है ना, देन भी वहाँ पे मिनिमम 500 से 1000 का सर्च वॉल्यूम उसका है मंथली। लेकिन इसका ट्रेंड आपको चेक करना पड़ेगा गूगल ट्रेंड को इस्तेमाल करके, क्या अभी ये कीवर्ड पे सर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप कैसे इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इस वीडियो को देखना है, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा गूगल ट्रेंड के बारे में, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं तबीज जी, जैसे कि आपने बताया ट्रैफिक के बारे में, सही है, अभी बात करेंगे अर्निंग के बारे में। अगर एक नया ब्लॉगर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है, उसको अर्निंग के लिए कितना टाइम लगेगा और वो अर्निंग कैसे कर सकता है? अर्निंग करने के तो ब्लॉगिंग के ऊपर बहुत सारे तरीके, बहुत सारे। और अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले वो अपने काम पर फोकस करेगा, ठीक है। अगर उसका काम वैसे रहेगा, डिपेंड्स करता है कि वो उसका क्वालिटी कंटेंट कैसा है, उसके पास में कंटेंट क्या है, वो किस चीज़ पे काम कर रहा है। अभी ब्लॉगर के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स होती है। अभी कोई एफिलेट मार्केटिंग पे काम करता है, एफिलेट मार्केटिंग भी बहुत सारी चीज़ों की होती है, प्रोडक्ट्स की होती है, होस्टिंग की होती है, डोमेन्स की होती है, ये सारी चीज़ें। अगर वो उसका फोकस गूगल एडसेंस पर है, तो सबसे पहले ये है कि वो एक डिसेंट ट्रैफिक, एक डिसेंट ऑडियंस को गेन करे, ठीक है। कुछ ऐसे फंडे यूज़ करे कि जिसकी वजह से वो उन लोगों पर, जो लोग उसके पास वेबसाइट पर सर्च करने के लिए आए थे, जिन लोगों ने उसकी वेबसाइट सर्च की, तो कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करे कि वो उन लोगों तक वापस पहुंच सके। जैसे कि ईमेल मार्केटिंग होता है, या फिर वो एक नोटिफिकेशन वगैरह कुछ ऑन कर दे, तो वो उन लोगों को वापस से अपने न्यू पोस्ट का भेज सकता है, उनको नोटिफिकेशन जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें वो यूज़ कर सकता है। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, तो ये भी डिपेंड करता है कि वो कितना कंटेंट लोगों के लिए दे रहा है। अभी कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी ज़रूरत है लोगों को, वो चाहते हैं कि हमें ये कंटेंट चाहिए, ठीक है। अब वो लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है और जल्दी से जल्दी उसने सब्सक्राइबर एक बेस डेवलप कर लिया, ठीक है। उसके पास में एक डिसेंट अमाउंट में उसके पास एक ऑडियंस भी है, वो काम भी कर रहा है अच्छा खासा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। मुश्किल से मुश्किल उसको 3 से 4 महीने में भी उसका ये बहुत जल्दी ही 3 से 4 महीने, वरना अगर आप देखें ना भाई, तो आप खुद अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें तो आपको भी बहुत लंबा टाइम लगा होगा, जैसे कि लोगों को 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। तो ये जो है ये बहुत जी, वो जी, बात जी, तो सही है। तो जो ब्लॉगिंग है ये सबसे पैशनेट वर्क है आज के टाइम में, सबसे पैशनेट वर्क, सिंपल वर्ड्स में कहे तो सबर इंसान को होना चाहिए। 100% सही बात है। और देखिए, अर्निंग के लिए आपको ना एडसेंस के ऊपर डिपेंड होना है, आपका अपना ओन जो क्वालिटी, मतलब क्वालिटी है आपका, जो आपका एक्सपीरियंस स्किल है, उसके ऊपर आपको डिपेंड होना है। अगर मान के चलिए आप ब्लॉगिंग करने आ रहे हैं, तो देन इसका मतलब है कि आपको कंटेंट राइटिंग आता है,
मतलब थोड़ा बहुत इसके लिए आप पैशनेट है, ठीक है, देन अभी आप क्या करो, सिंपल बात है, गूगल एडसेंस पे डिपेंड मत हो। अगर अर्निंग जल्दी से करना है तो कंटेंट राइटिंग का सर्विस दे सकते हो, बहुत कुछ करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो इंस्टेंटली, मतलब बहुत कुछ है, ठीक है, आप पैसा इनिशियल डेज भी कमा सकते हो। लेकिन अगर आप एडसेंस पे डिपेंड है, जैसे कि भाई ने बोला, आप प्रॉपरली थोड़ा पेशेंस रखिए, काम करिए, पैसा मतलब आ जाएगा, अपना काम पे फोकस करिए पहले, ठीक है। अभी तबीज जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मान के चलिए एक ब्लॉगर जो कि अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया और थोड़ा बहुत कमा भी लिया, अभी उसे क्या करना चाहिए, उसका बस वैसे ही काम करना चाहिए या फिर उसका बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए? अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसका काम क्या है। अगर उसका काम एडसेंस में ही है, पोस्ट के रिगार्डिंग उसका काम है, तो इन्वेस्टमेंट उसका मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन अगर उसकी कोई ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्टमेंट तो बहुत रहेगा, उसको एक्चुअल में प्रोडक्ट फिजिकली मोड पर उसे अपने पास रखने होंगे और काम करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर एक ब्लॉगर है वो अच्छा खासा अर्न कर रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों में कर सकता है? जैसे कि वो अपने कस्टमाइजेशन में इन्वेस्ट कर सकता है, वो कंटेंट राइटिंग में इन्वेस्ट कर सकता है, वो किसी डेवलपर से बात करके अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अच्छा तबीज जी, अभी हम लोगों ने बात किया न्यू ब्लॉगर्स अपना जर्नी को कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे, और आपने सही से मतलब सबको समझा भी दिया। अभी आपके बारे में बात करेंगे, आपने कितना ट्रैफिक ले रहे हैं, कितना कमाई कर रहे हैं, सब कुछ आपके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मेरा जो सवाल रहेगा अभी के लिए, आपका जो लास्ट मंथ का ट्रैफिक कितना था, जितने भी सारे वेबसाइट आपका है मिला के टोटल ट्रैफिक लास्ट मंथ का कितना था? जी देखिए, हमारी कुछ 15 वेबसाइट्स है, अगर हम सबका काउंट करके देखें तो मुझे लास्ट मंथ का कुछ 8 लाख से 1 मिलियन तक ट्रैफिक था लास्ट मंथ का। वाह, मतलब 1 मिलियन का ट्रैफिक, मतलब लोगों का सोच है कि उन्हें एक साल में अगर 1 मिलियन ट्रैफिक मिल जाए तो भी बहुत बड़ा बात है, लेकिन आप यहाँ पे मंथली ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई, देखिए आप लोग भी देख लीजिए, ऐसा नहीं कि तबीज जी ने यहाँ पे मेहनत नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर आपको इतना ट्रैफिक चाहिए, इनके जैसा एफर्ट भी देना पड़ेगा, ब्लॉगिंग को समझना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मिल जाएगा 1 मिलियन ट्रैफिक, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जैसे कि सबको ये जानना है, ठीक है, आपका लास्ट मंथ का कितना अर्निंग हुआ था टोटल सारे वेबसाइट को मिला के? जी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ 15 वेबसाइट्स हैं, और हमारे अर्निंग सोर्स सिर्फ गूगल एडसेंस नहीं है, बल्कि बहुत सारे मल्टीपल हमने एड नेटवर्क पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो फिर भी अगर काउंट करके देखें, सिर्फ एडसेंस के बारे में अगर काउंट करके बोलूँ मैं आपको, तो हमारा लास्ट मंथ का अर्निंग था 2.5K, $2,500 था हमारा लास्ट मंथ का अर्निंग। दोस्तों ये रहा एक एडसेंस अकाउंट का पेमेंट प्रूफ तबीज जी का, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टुडे सो पर $21 बन चुका है, यस्टरडे बना था इतना, और यहाँ पे देख सकते हो दिस मंथ यानी कि $700 के आसपास बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे टुडे सो पर आप सीपीसी देख सकते हो, सीटीआर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये भी अच्छे से देख लीजिए। लास्ट 7 डेज का डेटा देखिए, अभी देखेंगे लास्ट 28 डेज का भी डेटा देख लीजिए, ठीक है। ये एक सिंगल एडसेंस नहीं, और भी इनके पास एडसेंस मल्टीपल अकाउंट्स है, ठीक है। अभी आप ये देख लीजिए, अगला और एक देखते हैं। दोस्तों ये रहा एक और एक एडसेंस का डेटा, जहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा पूरा लाइव डेटा, इसके साथ आप प्रॉपरली देख लीजिए यहाँ पे सीपीसी कितना है, सीटीआर कितना है, और दिस मंथ कितना बन चुका है, $1,000 यानी कि $1,000 बन चुका है। और इसके साथ दोस्तों इनका जो एक अभी अकाउंट है और भी मल्टीपल्स अकाउंट है, और टोटल मिला के इनका अच्छा खासा अर्निंग हो ही जाता है, और ये सिर्फ इनका 2 ही एडसेंस अकाउंट था, और भी है। और आप भी तबीज जी के जैसा इतना कमाई कर पाएंगे, वो भी 1 साल 1.5 साल के अंदर, लेकिन आपको सीरियसली काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और आप लोग देख रहे हैं तबीज जी भी पार्ट टाइम ब्लॉगिंग को लेते हैं और मैनेज करते हैं, टीम बैठा रखा है, ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग डेज पे आप खुद सीखिए, ट्राई टू लर्न, देन आप इतना कमाई कर सकते हैं तबीज जी के जैसा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप चाहे तो उसका आंसर देना चाहे देन दे सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं, ठीक है। सवाल है, आप अपना एक वेबसाइट का नाम यहाँ पे रिवील कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल है देन आप करिए। जी ठीक है, एक वेबसाइट है हमारी जिसके ऊपर हमने अभी कुछ 3 से 4 महीने पहले से हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और वी गॉट डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, और हमें उसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस तरह की वेबसाइट पे काम करें और उसको आप एज अ मोटिवेशनल पर्पज़ के लिए आप उसको देखें और उससे कुछ सीखें उस वेबसाइट से। तो उस वेबसाइट का नाम है urdupoetry.xyz। तो ये जो वेबसाइट है पूरी तरह से शायरी पे और पूरी तरह से इसके ऊपर पोएट्रीज वगैरह आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा, और इसके ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ जाता है, क्योंकि इसकी जो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो है फ़ोटोज़, और फ़ोटोज़ को अगर आप उसका सही से SEO करो तो वो बहुत मदद करती है आपके एक किसी भी आर्टिकल को बूस्ट करने के लिए।
तो इसलिए हमने उस वेबसाइट के ऊपर काम स्टार्ट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को बिना लाइक करिए मत जाइए। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है, ब्लॉगिंग सीखना पसंद है, देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सोम्यल चैनल हर पल अवेलेबल है आप लोगों को मदद करने के लिए। देन आज के लिए बस यही तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।